बहुत समय पहले एक युग में जब धरती पर अत्याचार और अराजकता फैल चुकी थी, तब भगवान विष्णु ने धरती को बचाने के लिए एक अवतार लेने का निर्णय किया। मथुरा के राजा कंस ने अपनी बहन देवकी और उनके पति वासुदेव को जेल में डाल दिया था। राजा को एक भविष्यवाणी ने घबराहट में डाल दिया था कि देवकी का 8वां पुत्र उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। जैसे ही देवकी ने अपने 8वें पुत्र को जन्म दिया, आकाश में दिव्य प्रकाश छा गया। वासुदेव ने अपने पुत्र को सुरक्षित करने के लिए एक साहसिक निर्णय लिया। बरसात की रात वासुदेव ने नवजात कृष्णा को एक बास्केट में रखा और नदी पार करके गोकुल पहुंचे। वहां यशोदा और नंद के घर में उन्होंने कृष्णा को एक प्यारी सी लड़की के साथ बदल दिया। जब कंस को पता चला कि उसके भयभीत भविष्यवाणी का पालन करने वाला बच्चा गोकुल में सुरक्षित है, तो उसकी चिंता और बढ़ गई। भगवान श्री कृष्णा के जन्म के साथ ही धरती पर धर्म की पुनर्स्थापना शुरू हो गई। उनका जीवन और उनके कार्य आज भी हमें सिखाते हैं कि अच्छाई और धर्म की जीत होती है। आज भी कृष्णा की कहानियां हमें प्रेरित करती हैं और उनके जन्मदिन जन्माष्टमी को हम उल्लास और श्रद्धा के साथ मनाते हैं।